रुको जरा, सबर करो। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक विजिट करवाने जा रही हूँ, बहुत ही स्पेशल और खास। आज मैं जा रही हूँ, मैं किसी के घर में विजिट करने के लिए आई थी और वो हमें ले जा रहे हैं बॉर्डर घुमाने के लिए, पाकिस्तान और। तो मैंने भी पहले कभी नहीं देखा, ये पहली बार देखने जा रही हूँ मैं अभी। और हम बैठ गए गाड़ी में और जा रहे हैं, रास्ते का व्यू दिखा रही हूँ आपको। बहुत अच्छा व्यू है ये दोस्तों, मतलब बहुत अच्छी लोकेशन, आगे जाके और भी अच्छी लोकेशन मिलेगी आपको देखने। हम पहुँचने वाले हैं अभी, बहुत नज़दीक आ गए। यहाँ पे गाड़ी खड़ी की है, ये स्टॉपेज है हमारा, और यहाँ पे टिकट वगैरह भी लगती है और टिकट लेनी है हमें। आगे आर्मी वाली गाड़ी आ रही है और यहाँ पे आर्मी वाले बहुत ज़्यादा मिले। और सच में अगर आपने कभी वॉटर, यहाँ पे दोस्तों टिकट लेने की बारी है। सामने जो सिस्टर खड़े हैं ना ब्लू टॉप में, वो टिकट ले रहे हैं, और दूसरी साइड इस साइड गाड़ियाँ जा रही हैं जहाँ पे स्टॉपेज है, तो वो वाले सिस्टर टिकट ले रहे हैं। जितने भी मतलब मेंबर होंगे उतने मेंबर की टिकट ली जाएगी, छोटे बड़े सब की टिकट ली जाएगी। तो अभी अंदर एंटर करने वाले हैं, देखते हैं भाई आगे का नज़ारा क्या, और आप लोगों को भी दिखाते हैं ये। और यहाँ भी हमने एंट्री कर लिया और ये सिस्टर नाचते हुए जा रहे थे, मतलब बहुत खुश थे सारे, आज एंजॉय करे। दूसरी साइड देखिए पार्क है इस साइड पे, और यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था, जैसे हम पहाड़ों में आ गए हों। और सामने आप दरवाज़ा देख रहे हो, वो दरवाज़ा एंटर करना है हमें। और आप फ्लैग देख रहे हो, इंडिया का फ्लैग भी लगा हुआ है आगे, बहुत ही एंजॉय वाला टाइम आने वाला है। और फ्लैग को मैं झूम करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखिए। और कुछ नहीं दोस्तों, मज़ा तो बहुत आया आज, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया है। और जिस फैमिली में ठहरी हूँ वो फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, सारे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और उन्होंने मुझे पूरा बॉर्डर ये घुमाया यहाँ पे आज। तो फ्लैग बहुत अच्छा लग रहा है ना, झूमता हुआ बहुत प्यारा लग रहा है। तो हम आए हैं यहाँ पे बॉर्डर को देखने के लिए। बॉर्डर कौन सा है ये आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी। एक्चुअली मैं आई थी यहाँ पे विजिट के लिए, और फैमिली बहुत अच्छी है, और इन्होंने हमने मतलब हमें घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे है बॉर्डर, आगे जाके मैं दिखाती हूँ आपको। आपको मैंने वो फ्लैग दिखाया अपने देश का, और आगे जाके मैं पूरा आपको बॉर्डर दिखाती हूँ कि कैसा है यहाँ का माहौल। तभी पहली बार आई हूँ यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा जो है गैदरिंग, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और मैं वो आपको सिस्टर से मिलाती हूँ जो मेरे साथ आए हैं। तो ये पीछे आ रहे हैं मेरे सिस्टर, जिनके घर में मैं आई हूँ। एक ये वाले हैं मेरे सिस्टर, और यो हमें घुमाने के लिए लेके आ रहे हैं, और हमें बॉर्डर पे लेके आए हैं। बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ का। अभी यहाँ पे परेड भी होगी और दिखाऊंगी मैं सब आपको कैसे होती है। तो दोस्तों यहाँ पे पीछे सारे अपने अपने फ़ोटोज़ ले रहे हैं, सिस्टर पीछे जो बैक साइड पे, ये उनकी बेटी है, और साथ में मम्मा, मम्मा बेटी दोनों फ़ोटो ले रहे। तो मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ पास वाला सारा, घूम के देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये सारा व्यू। यहाँ से हम एंटर हुए, ये वो वाली साइड है, बस हम आगे चलने वाले, अब जाने वाले हैं आगे। तो देखते हैं भाई आगे का भी नज़ारा क्या जा रहे हैं। यहाँ पे प्रेयर होने जा रही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, आपको आज पाकिस्तानी लोग दिखाएंगे हम लोग, जबकि मैंने भी पहले कभी नहीं देखे, मैं फर्स्ट टाइम देखने वाली हूँ। तो अभी टाइम पे पहुँचने वाले हैं हम, 5-6 बजे होगी, और हम 5 बजे पहुँच गए हैं। बस अपनी जो जगह है ना, अपनी प्लेस को कवर करना है हमें, और जल्दी से देखना है। चलिए पाकिस्तानी लोग आज आपको दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पे दोस्तों बैठ गए हम उस प्लेस पे, यहाँ पे पूरा पाकिस्तान सामने देखिए, अगर सामने वाली आपको जो व्यू दिख रहा है ना, वहाँ पे सारे पाकिस्तानी हैं, सामने गैदरिंग जो है पाकिस्तानी है, और बीच में जो गेट लगा हुआ आप देख पा रही हो ना, मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए गेट जो लगा हुआ है ना, ये गेट है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में लगा हुआ है। इधर वाले हिंदुस्तानी फौजी हमारे, और उधर वाले पाकिस्तान वाले, और ये बहुत ही अच्छा व्यू था। मतलब मैंने पहली बार ये परेड होते हुए देखी है, मैंने पहले कभी नहीं देखी है, तो पहली बार देख रही हूँ। ये पाकिस्तानी जो आर्मी वाला है वो अपना मतलब जो भी परेड करते हैं जैसे भी करते हैं वो कर रहे हैं, और इधर अब हमारा हिंदुस्तान वाला भी करेगा। सच में बताऊँ ना आपको दोस्तों, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट थी यहाँ पर। अगर आप लोगों ने कभी ऐसी परेड नहीं देखी है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, तो आप ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा कभी भी।
क्योंकि जब हम किसी चीज़ में जाते हैं ना तो देखते हैं तभी पता चलता है उसकी वैल्यू का। मुझे भी पता चला आज इसकी वैल्यू का। तो ये देखिए हमारा जो हिंदुस्तानी भाई है वो कैसे परेड कर रहे हैं, और बहुत अच्छी परेड कर रहे हैं। लोग इतने ज़्यादा थे हमारे इधर के, तो बहुत ही ज़्यादा लोग थे। उधर वाले सामने जो पाकिस्तानी आप देख रहे हो ना, बहुत कम दिखाई दे रहे होंगे आपको, पर हमारे जो हिंदुस्तानी थे ना वो बहुत ज़्यादा हिंदुस्तानी थे। तो दोस्तों क्या बात है, अब क्या करें कंपैरिजन इनका, कुछ नहीं कह सकते। तो दोनों का कंपटीशन चल रहा है, पाकिस्तानी भाइयों का और हिंदुस्तान वाले भाइयों का, दोनों का चल रहा है कंपटीशन। और ये जो लड़कियां आ रही हैं ये भी परेड कर रही हैं, और बहुत मतलब अच्छे तरीके से यहाँ पे सब कुछ मैनेज किया गया है, और लास्ट में बहुत अच्छा यहाँ का व्यू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस व्लॉग के दो पार्ट होने वाले हैं, ये एक पार्ट में नहीं रहेगा, दो पार्ट में जाएगा। कंटिन्यू बने रहिएगा, अगर आपने पूरा देखना है कि लास्ट तक परेड कैसे होती है वो आपको दूसरे व्लॉग में पता चलेगा। इस व्लॉग में बस आपको स्टार्टिंग वाला व्यू दिखा रही हूँ कि कैसे होती है, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने इसके दो पार्ट कर दिए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, वो सामने सारा पाकिस्तान बैठा हुआ है, सारे पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तानी ऑफिसर्स हैं, और हमारे इधर जो हिंदुस्तान वाले ऑफिसर्स सारे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको मैं घुमा के दिखा रही हूँ, ये सारे बैठे हुए इधर हमारे हिंदुस्तान वाले, और दूसरी तरफ अगर ऑफिसर आए हैं दो, ये मेन ऑफिसर हैं, ये चेयर पे बैठेंगे। अब भाई मुझे पता तो नहीं है कौन है, पर हाँ जी जानती हूँ ये जैसे परेड करेंगे वैसे चेयर पे बैठ जाएंगे, एक एक करके चेयर पे बैठेंगे। तो ये देखिए भाई अपनी सीट इन्होंने ले ली, अपनी प्लेस ले ली। ऐसे होती है कुछ परेड, क्योंकि अगर मैंने पहले देखा होता तो आप लोगों को बता देती, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है, ऐसे परेड होती है। तो ऐसे की जाती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, इतना ज़्यादा फासला नहीं है, बहुत ही कम फासला है, एक गेट ही लगा हुआ है छोटा सा, बाकी सब एक है। मतलब आप उधर क्रॉस करके नहीं जा सकते, हिंदुस्तान वाले और पाकिस्तान वाले इधर क्रॉस करके नहीं आ सकते, ये है उनका। तो ये है पाकिस्तान वाले सारे जितने भी बैठे हुए हैं। तो ये देखिए पाकिस्तानी भाई अब परेड कर रहे हैं, एक बार हिंदुस्तान वाले एक बार पाकिस्तान वाले। सच में दोस्तों जाइए, अब बॉर्डर पे जाइए भैया, अब तो देखना पड़ेगा आपको। ये व्लॉग देख के बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि हम बहुत नज़दीकी से एक दूसरे को देख पाते हैं, वरना पाकिस्तान कौन जा सकता है, कोई नहीं जा सकता। तो आप पाकिस्तान बिना गए बिना टिकट काटे ही पाकिस्तान में जा सकते हो ऐसे करके। तो दूसरा व्लॉग दोस्तों आएगा कल, तो इस व्लॉग में आप बने रहिएगा मेरे साथ, और ये व्लॉग यही पे ख़त्म होता है, कल दूसरे व्लॉग